जब आप नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपका नरेशन शुरू से कमज़ोर है तो सबसे पहले आप मेरे फर्स्ट वीडियो से शुरुआत करें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात ही बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये आरबी नहीं जान पाते हैं, आरएस नहीं जान पाते हैं। तो आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अगर दो वर्ड के बाद, कितने वर्ड के बाद, दो वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो हम दोनों वर्ड को आरबी बोलेंगे। तीन वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो हम तीनों वर्ड को आरबी बोलेंगे। अच्छा हुआ कि हम आपको लिख करके बता देते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब जैसे कि ये ही शेड है, अब यहाँ पर इसमें ये दो वर्ड है, दो वर्ड के बाद ये कॉमा है तो हम ही शेड को हम क्या बोलेंगे, दोनों वर्ड को आरबी बोलेंगे। हालांकि इसके जवाब तो बहुत सारे हैं कि ही को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहा जाएगा और सेट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा, लेकिन उतना दूर जाने के लिए दोनों का अपमान करके चलेंगे। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर हम, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब यहाँ पर एक दो तीन चार, चार वर्ड के बाद एक कॉमा, हम चारों वर्ड को क्या बोलेंगे, हम आर भी बोलेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ही टोल्ड मी, यहाँ पर तीन वर्ड के बाद एक कॉमा, तीनों वर्ड को हम क्या बोलेंगे, आरबी बोलेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको आरबी समझ में आ गया होगा। अब रही बात यहाँ पर कि आरएस क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि दो वर्ड के पहले भी कॉमा हो, दो वर्ड के बाद भी कॉमा हो, तीन वर्ड के पहले भी कॉमा, तीन वर्ड के बाद भी कॉमा, चार वर्ड के पहले भी कॉमा, चार वर्ड के बाद भी कॉमा। अब दस वर्ड कहले, दस वर्ड के पहले भी कॉमा हो या दस वर्ड के बाद भी कॉमा हो, तो जिसमें दोनों तरफ से कॉमा का यूज़ किया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे, हम आरएस बोलेंगे। जिसमें दोनों तरफ से कॉमा का यूज़ किया गया हो उसको हम आरएस बोलेंगे। इसको भी हम आपको लिख करके बतला देते हैं। अब जैसे कि एक सेंटेंस आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ही गोज, अब इसमें दोनों तरफ से क्या है कॉमा, इसको हम क्या बोलेंगे, हम आर एस बोलेंगे। आर एस का मतलब क्या, रिपोर्टेड स्पीच। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सी सेड आई, इस क्वेश्चन में आपका आर भी दो वर्ड का है, आपका आर भी सी से शुरू सेड में खत्म और आपका ये आर एस आई से शुरू आई में ही खत्म। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले चलेंगे तो सबसे पहले आप आरबी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर सी का सी लिखेंगे, सेट का क्या लिखेंगे बेटा, ये सेट लिखेंगे। आरबी के बाद दो नंबर में क्या करना है, दैट डालना है, तो आप यहां पर दैट लिखेंगे। अब रही बात यहां पर फर्स्ट पर्सन की, आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा आरबी का सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। आरबी का सब्जेक्ट कौन है बेटा, ये सी, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम ये सी लिखेंगे। मगर मैं आपको एक बात ही बता देना चाहता हूं, अगर यहाँ पर ही होता तो हम यहाँ पर ही लिखते, यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर हम यू लिखते, यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर हम आई लिखते। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और ये नीचे थोड़ा सा उससे लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को जब डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले चलेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सी सेड कॉमा आई वॉन्टेड टू गो होम। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब ले चलेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर सी का क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सेट का क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे, आरबी खत्म, आरबी के बाद दो नंबर में क्या डालना है, ये दैट डालना है। अब आपका काम आई से लेकर के होम तक बच गया। जब हम ऊपर की क्वेश्चन में आई को सी में चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं ना आप यहां पर, जब हम ऊपर की क्वेश्चन में आई को सी में चेंज कर सकते हैं तो फिर हम नीचे की भी क्वेश्चन में क्या काम करेंगे बेटा, आई को हम सी में ही चेंज करेंगे। अब मेरे क्वेश्चन में वांटेड से लेकर के टू गो होम तक बच गया। अब ये जो वांटेड सवाल ही होता है कि वांटेड क्या है, वांटेड बेटा क्या है, ये वी टू है, वी टू को किस में चेंज करना है भाई, हेड वी थ्री में। तो आप एक काम करो, यहाँ पर हम हेड का हेड लिखेंगे और वांटेड का हम वांटेड लिखेंगे। और दूसरी नंबर बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, वांटेड के बाद जब हम आगे बढ़े तो टू गो मिला,
तो आप ये याद रखेंगे, नरेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टू भी वन बेटा टू भी वन में ही चेंज करेंगे। यानी हम टू गो को हम किस में चेंज करेंगे, टू गो में ही चेंज करेंगे। और ये बनाना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर टू गो को टू बेंट में चेंज करने की आप कोशिश ना करेंगे, तो यहाँ पर हम टू का टू लिखेंगे, गो का गो लिखेंगे, और ये होम का क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पर होम लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, यू सेड दे लाफ्ड एट हिम। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब ले चलेंगे, तो सबसे पहले आर भी लगाना है। तो आप यहाँ पर एक काम करोगे कि यू का यू लिखेंगे, आप सेट का यहाँ पर सेट लिखेंगे, आर भी खत्म। दो नंबर में क्या डालना है भाई, ये दैट डालना है। आप यहाँ पर ये दैट को डाल लो। जब हम दैट के बाद हम आगे चले, तो मुझे आर एस का काम करना, मेरा आर एस दे से शुरू और ये हिम में खत्म। एक दो तीन चार, ये चार वर्ड का आपका आर एस हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर दो वर्ड के पहले भी कॉमा हो, दो वर्ड के बाद भी कॉमा, तो दोनों वर्ड को हम आर एस बोलेंगे। चार वर्ड के पहले भी कॉमा, कॉमा देख रहा ना यहाँ पर आप, यहाँ भी कॉमा यहाँ पर भी कॉमा, तो जिसमें दोनों तरफ से कॉमा हो उसको हम क्या बोलेंगे, हम आर एस बोलेंगे। अब रही बात यहाँ पर दे की, तो दे क्या होता है बेटा, ये थर्ड पर्सन होता है, और ये थर्ड पर्सन कभी भी चेंज किया नहीं जाता है। अब मेरा क्वेश्चन लाफ्ट से लेकर के एट हिम तक ये बच गया। लाफ्ट क्या ये वी टू है, वी टू किस में जाएगा, ये हेड वी थ्री में। आप यहाँ पर हेड का हेड लिखेंगे और ये एल ए यू जी एच ई डी लाफ्ट लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर एट लिखो, और ये एट लिखने के बाद हम फिर क्या काम करेंगे, हिम लिखेंगे। तो इस तरह से आप बनाते चलेंगे। लेकिन फिर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका नरेशन अगर कमज़ोर है, तो सबसे पहले मेरे नरेशन का जो है ना फर्स्ट पार्ट आप देखें, वहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, वर्ब कैसे पहचानना है, प्रेपोजिशन कैसे पहचानना है, और इनको बदलना किस में है। उसमें बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे क्वेश्चन डाले गए हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन को उसमें डाला गया है। अगर आप वहां से अगर देखते हैं तो आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। खैर, हम अगले क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। वन सेड आई डिड इट। जब आप इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मोहन का मोहन लिखेंगे, सेट के बदले क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे, अरबी खत्म। दो नंबर में क्या डालना है आपको यहाँ पर, ये दैट को डालना है। दैट डालने के बाद अब आपको आर एस में चलना है, आपका आर एस आई से शुरू डिड इट में खत्म। अब यहाँ पर करना क्या है कि आई क्या, ये फर्स्ट पर्सन, आई क्या बेटा, ये फर्स्ट पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट, मेरे आरबी का सब्जेक्ट कौन है, मोहन। हम यहाँ पर अगर हम मोहन के बदले मोहन ही लिख देते हैं, और रही बात यहाँ पर डिट की, तो डिट मेरा क्या, ये भीटू, भीटू किस में जा गई, ये हेड भी थ्री में। तो यहाँ पर हेड तो हम लिखेंगे ही, डिट का वर्ड थ्री डन लिखेंगे और इट का इट लिखेंगे। तो इस टाइप से ये जो नरेशन होता है बेटा, ये बनाना क्या होता है, ये गलत होता है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से बनाते हो, मोहन शेड डाइट, आपको करना क्या है कि आई फर्स्ट पर्सन है, आरबी का सब्जेक्ट अनुसार तो ये चेंज होगा ही, लेकिन आपको नेम के बदले करना क्या कि ही लिखना है। अब यहाँ पर डिट का करना है क्या बेटा, ये डिट भी टू है, तो इसको हम हैड भी थ्री यानी हैड डन में चेंज करेंगे, और इट का क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इट लिखेंगे। आपके अगली क्वेश्चन है, ही सेड आई सॉ हिम ऑन द वे। जब आप इसको भी चेंज करोगे, तो सबसे पहले हम ही का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, सेट का सेट लिखेंगे, आरबी खत्म। दो नंबर में क्या डालना है ना, ये दो नंबर में आरबी के बाद दो नंबर में दैट डालना है। आप यहाँ पर ये दैट को डाल लो। अब आपके क्वेश्चन में क्या बचा, ये आई बचा, क्या ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट कौन है, ही। आप यहाँ पर एक काम करो, आई को ही में चेंज कर लो। अब हम जब हम आई के बाद हम आगे बढ़े, तो एक दो तीन चार, ये पांच वर्ड मुझे मिले। अब यहाँ पर सौ क्या है बेटा, ये भी टू है, सौ क्या है, ये भी टू, भी टू किस में जाएगा, ये हेड भी थ्री में। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दिया हूँ कि भी टू हेड भी थ्री में चेंज होगा, मगर कब, जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। देख रहे हैं यहाँ पर ये सेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या कि सौ का भी टू क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर हम हेड लिखेंगे, हेड लिखने के बाद सौ का भी थ्री हम सीन लिखेंगे, और ये रही बात यहाँ पर हिम काम हिम ही लिखेंगे, और ऑन दी लिखेंगे, ऑन दी लिखने के बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर वे लिखेंगे।
ही सेड दैट ही हैड सीन हिम ऑन द वे। तो इस तरह से यहां तक आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। द टीचर सेड बॉयज मेड अ नॉइस। जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप ले चलोगे तो सबसे पहले करना क्या है कि द का द लिखेंगे, टीचर का टीचर लिखेंगे, हाँ सेट का सेट लिखेंगे। आरबी खत्म होने के बाद दो नंबर में आप क्या डालेंगे, यहां पर ये दैट लिखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन में आरएस का काम बच गया है, मेरा आरएस बॉयज से शुरू नॉइज में जाकर के खत्म। तो बॉयज बेटा क्या ये थर्ड पर्सन है, आई वी क्या फर्स्ट पर्सन, यू क्या सेकंड पर्सन, आई वी के बाद और यू के बाद जितने भी बच जाते हैं सभी क्या है बेटा वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज यानी चेंज नहीं किया जाएगा, तो बॉयज का बॉयज लिखेंगे यहां पर हम। और अब रही सवाल यहां पर मेड की, ये मेड क्या ये भीटू है, भीटू किस में जाएगा, ये हेड V3 में। आप यहां पर ये हेड लिख लो, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, मेड का मेड लिखेंगे, आ का लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम नॉइस का नॉइस लिखेंगे हम। माई ब्रदर सेड आई बाउट अ शर्ट इन पटना। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट में जब आप ले चलोगे तो आप यहां पर माई का माई लिखोगे, ब्रदर का क्या लिखोगे भाई, ये ब्रदर लिखेंगे, शेड के बदले क्या लिखेंगे, ये शेड लिखेंगे। आरबी खत्म, दो नंबर में क्या डालना है, ये दैट डालना है, आप यहां पर ये दैट को लिख लो। अब मेरे क्वेश्चन में आई से लेकर के ये पटना तक काम बच गया है, तो सबसे पहले हम यहां पर आई पर आकर के सावधानी बरतेंगे। आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, आरबी का सब्जेक्ट। अब यहां पर आरबी के सब्जेक्ट में दो वर्ड है, माई भी है ब्रदर भी है। अब आप यहां पर डाउट में है कि माई को माई के अनुसार ले चले कि ब्रदर के अनुसार ले चले, तो आपको माई के अनुसार ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहां पर आई को ब्रदर के अनुसार ले चलेंगे, हाँ थोड़ा सा आपको सावधानी ये बरतना है कि आपको यहां पर ब्रदर भी नहीं लिखना है। ब्रदर क्या है, पुरुष है, इनके लिए आप क्या लिखोगे भाई, आप यहां पर यही लिखेंगे। अगर यहां पर आप ही ना लिख करके माई ब्रदर अगर लिख देते हो तो इस टाइप से बनाना क्या होता है, ये गलत हो जाता। और रही बात यहाँ पर बाउट की, तो बाउट क्या यहाँ पर ये भीटू है, भीटू किस में ले चलेंगे, हेड V3 में, तो आप यहाँ पर ये हेड लिख लो। रही बात यहाँ पर बाउट की, तो बाउट अपने आप में V2 भी है और V3 दोनों है, तो बाउट का बाउट ही लिखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर अ लिखेंगे, अ लिखने के बाद हम SHIRT शर्ट लिखने के बाद इन लिखेंगे, इन लिखने के बाद यहाँ पर हम ये पटना लिखेंगे। तो इस तरह से आपका अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिस्टर सेड आई अराइव्ड देयर ऑन संडे। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप ले चलेंगे तो सबसे पहले इसमें भी करना क्या कि आपको आरबी का ही काम करना है। हमको ऐसा लगता है कि आपको बनाते बनाते याद भी हो गया होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे माई सिस्टर शेड, आरती खत्म होने के बाद दो नंबर में करना क्या है कि आपको यहां पर ये दैट डालना, आप यहां पर दैट को डाल लो। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको सावधानी यह बरतना है, ये जो आई है यहां पर मतलब फर्स्ट पर्सन, अब आपको फॉर्मूला याद है कि फर्स्ट पर्सन आरती का सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, लेकिन आपका ये जो सब्जेक्ट है माई सिस्टर मतलब इसमें दो वर्ड है। अब कभी कभी मेरे स्टूडेंट मतलब ये कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि माई को माई के अनुसार चेंज करें या सिस्टर के अनुसार चेंज करें। अगर आप इसको माई के अनुसार अगर चेंज करते हो तो ये सरासर गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर ये काम करेंगे, सिस्टर के अनुसार चेंज करेंगे, तो रही बात यहाँ पर सिस्टर की, तो सिस्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, हम सी लिखेंगे। तो आप यहाँ पर माई सिस्टर ना लिख करके आप यहाँ पर सी लिखेंगे। और जब आप आगे चले तो आपको अराइव्ड मिला, अराइव्ड क्या है, V2 है, इसको आप हेड V3 में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर हेड का हेड लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर अराइव्ड की, तो ARRIVD आप अराइव्ड लिख लो, यानी V2 को हेड V3 में चेंज कर लो। उसके बाद देयर को किसी भी चीज में चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम ऑन काउन लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम संडे का हम क्या लिखेंगे भाई, हम ये संडे लिखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग ये कर दिए हैं कि आपके आरएस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है, तो ये ही सेड टू मी यू ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी।
जब आप इसको चेंज करेंगे तो थोड़ा सा इसमें सावधानी क्या बरतना है कि आप यहाँ पर ही का ही लिखेंगे। और ये जो सेट टू है, हालांकि हम इसको पहले वाले वीडियो में हम आपको कितनी मरतबा बता चुके हैं कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर अफर्मेटिव हो यानी पॉजिटिव हो या निगेटिव में भी चल सकता है, तो आप क्या काम करेंगे कि सेट टू के बदले क्या लिखेंगे, टोल लिखेंगे। ये टोल लिखेंगे, अगर सेट टू वो तो टोल लिखना है, अगर नहीं रहे तो फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर भी का ही लिखेंगे, सेट टू का टोल लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे, मी का मी लिखेंगे। यहाँ पर ही से ही कट हो सकता है, सेट टू से क्या करेंगे, हम टोल को काटेंगे, मी से मी को काटेंगे। तो इस तरह से ये आपका काम ही से लेकर के मी तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दो नंबर में करना क्या कि दैट लगाना है। आप यहाँ पर ये दैट लगा लो। दैट लगाने के बाद करना क्या है कि अब आपको करना है क्या कि थर्ड नंबर में आरएस का काम करना है। आपका आरएस यू से शुरू टी में जाकर के खत्म है, 1 2 3 ये 4 5 6 वर्ड है इसमें। अब ये यू क्या बेटा, यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या है, इसको क्या करना है। तो सेकेंड पर्सन हमेशा आरवी के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, तो आपके आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, या मी है। अब यहाँ पर यू को मी में लेकर के आप आओगे। अब यहाँ पर ये दिखना है कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे कि आई का आई लिखोगे। अब हम जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे ऑर्डर मिला, ऑर्डर क्या ये बी टू है, बी टू को फिर किस में चेंज करेंगे, हम हैड V3 में। आप यहाँ पर ये हैड लिख लो, हैड लिखने के बाद ORDER ED ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर के बाद यहाँ पर हम आ लिखेंगे, और आ लिखने के बाद आप यहाँ पर ये कफ लिखो, कफ के बाद ऑफ, ऑफ के बाद बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, आई से टू हर कॉमा यू वेंट देयर। अब आप यहाँ पर एक काम करेंगे कि आई का आई लिखेंगे, जिस तरह से ऊपर के क्वेश्चन में आप सेट टू को टोल्ड में चेंज किए हैं, आप यहाँ पर उसी तरह टोल्ड में चेंज करेंगे, हर का हर लिखेंगे। अगर सेट के बाद टू रहे तो आप टोल्ड में चेंज करो, अगर सेट के बाद अगर टू नहीं रहे तो इसको टोल्ड में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई टोल्ड हर। उसके बाद करना क्या है, यार भी खत्म होने के बाद करना क्या है कि दो नंबर में डैट डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो कि डैट को डालो। डैट डालने के बाद फिर यही करना है कि यू क्या है, सेकेंड पर्सन आरवी का ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आप यहाँ पर यू को मी में ले चले थे, आप उसी तरह यहाँ पर बिठा यू को हर में ले चलेंगे। और यहाँ पर देखना यहाँ पर ये है कि हर का सब्जेक्ट क्या होता है, तो हर का सब्जेक्ट सी होता है, आप यहाँ पर ये सी लिख लो। अब हमको करना है क्या कि वी टू को हेड वी थ्री में चेंज करना है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा वी टू क्या ये वेंट है। अब ये पता करना है कि इसको करना क्या है, तो इसको भाई वी टू को हम हैड वी थ्री में चेंज कर, हैड तो लिख लिए। अब ये पता करो कि बेंट का वर्ड थ्री क्या होता है, तो आप यहाँ पर ये गुण लिखेंगे। और ये गुण लिखने के बाद करना क्या कि आप ये देयर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप कमज़ोर है, अगर आपको नरेशन में अगर डाउट है, तो सबसे पहले मेरे नरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, सबसे पहले इसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जब आप उसको सारी बात समझ लेंगे, जब आपको सारी बात समझ में आ जाए, तो अब क्या काम करें कि अपने नोटबुक में उसी क्वेश्चन को मतलब लिखने की कोशिश करें और उसे खुद से बनाने की कोशिश करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल JN English Research Center को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।